हे गाइस, जय श्री राम, जय श्री अकाल, केम छो मजा मा, हम भी अच्छे हैं। तो ये है हमारा छोटा सा घर जो कि अब बहुत बड़ा हो गया है। मुझे लगता है कि भाभी भी अगर आएगी, अभी तो छोटा है, ब्याह देंगे अगले या एक दो साल में इसको भी, तो वो तो बोलेगी काम वाली रखाओ भाई। मुझसे नहीं पूछा लगता इतने बड़े घर में। तो ये रहा घर, आप देख लो, ये तो छत्तों के साथ छत, वेड़े नाल वेड़ा, छत्ता नाल छाता है। तो सो गर्मी है यहाँ पे, हमारे घर से ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। बट हमें तो रात को नींद आ गई, फराटा लगाया हुआ था, पंखा लगाया हुआ था। अभी नया घर ही बना है, बन रहा है अभी। मुझे लगता है कि अभी भी इसको 6 महीने और लग जाएंगे। आज भी पता नहीं आता है नहीं आता, ऊपर वाले एरिया में पूरा ड्रिल करा, मतलब ग्रिल वगैरह लगाने वाली है जो साइडों पे लगती है पौड़ियों के, स्टेयर्स के, बाकी ये तो लग चुकी हैं सब। तो और बोला उसने कि पेंट थोड़ा रुक के कराना, अभी मत कराना। तो वो पेंट भी अभी होना है और मेन है फर्नीचर लाने वाला है। क्योंकि भाई भाई की शादी करेंगे, पहले सारा कुछ घर में फर्नीचर वगैरह लाएंगे। नीचे तो है, ऊपर वाले पोर्शन जो खाली है सब में भरने पड़ेंगे, क्योंकि जो नेसेसिटी है वो तो चाहिए चाहिए ना, भाभी के पास होना चाहिए। एसी मेरे को लगता आज या कल फिट हो जाएगा, क्योंकि ना काम सारा चल रहा था इसीलिए लगवा रखा था। घर वाले तो नहीं यूज़ करते हैं, वो भी मेरे मम्मी पे सास ससुर की तरह कि उनको एसी नहीं चाहिए, बट भाई ऊपर तो चाहिए, भाभी लाएंगे तो उसके लिए एसी भी घर में होना चाहिए। तो एसी वगैरह आज या कल फिट हो जाएगा। बाकी रहा ये फर्नीचर वगैरह, ड्रेसिंग टेबल और ये सारा बेड जो होता है, अलमीरा वगैरह होता है, कबर्ड वगैरह, ये सब अभी धीरज बोल रहा है कि थोड़ा सा रुक जाते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसे लग चुके हैं। फॉर फर्स्टली इसको कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर उसके बाद फर्नीचर वगैरह सब लाते हैं, या फिर जब शादी होने वाली होगी उसके आसपास ही ले आएंगे, क्योंकि पहले रख के क्या फ़ायदा, कोई ऊपर आएगा नहीं, सोएगा नहीं, तो करना क्या है। कोई बोल रहा था कि आपको कोल्ड हुआ है, तो फर्स्टली तो मेरी आवाज़ ही ऐसी है, दूसरा है मेन रीज़न कि मेरी आदत है, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं फ़ैन के आगे, कूलर के आगे, एसी के आगे, सबसे आगे मैं ही सोती हूँ। तो सुबह सुबह मेरा नाक नॉर्मली ऐसे बंद ही मिलेगा आपको। तीसरा, मुझे कल से जुकाम हो गया है, क्योंकि वहाँ ठंडा मौसम था, यहाँ गर्मी है, और गाड़ी में ट्रेवल जब किया तो मैंने एसी के आगे मुंह दे रखा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो रात को मैं इतनी ज़्यादा स्नीजिंग हुई है मुझे, तो अभी तो मेरे को सच में जुकाम हो गया है। तारे नीचे लटकी दिखी होंगी कपड़ों वाली, तो उसके लिए भी भाई ने बनवा दिया है, उसका आयरन का, लोहे का बनवाया है। यहाँ पे स्टैंड लगेंगे तो वो आएंगे फिट करने, तो ना वो टॉयलेट सीट के आसपास जो लगती है वाइट कलर का जो सीमेंट लगता है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, वो लगाने के लिए भी आया नहीं रहा कोई भी। वो कह रहे पैसे दे दिए ना एडवांस में, इसलिए आते नहीं है, आ जाएंगे, आज ये है, आज 15 अगस्त है, आज ये है, आज हमारे घर में ये हो गया, आते तो यही चलता है, पैसे दे दो ना एडवांस में, फिर नहीं आते हैं। धीरे बोल रहा है कि अभी दूसरा काम कराना हो तो पहले काम कराना, फिर पैसे देने हैं। वहाँ चल रही है पर चिपचिप वाली गर्मी है बहुत ज़्यादा। सो मेरे को व्रत रख के लोग वेट लूज करते हैं, मैंने 1 kg बढ़ा लिया है, बट वो मैं कम कर लूँगी, मुझे मालूम है, क्योंकि ना उस टाइम आलू वगैरह खाए जा रहे हैं, तला हुआ बनाया जा रहा है, फिर वो इंसान सोचता भूख लगती है, अब स्पेशली अपने लिए क्या बनाए, जो पड़ा वही खा लो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 kg है, कम कर लेंगे। वो 1 kg सारा मेरे मुँह पर ही दिखाई देता है, ठीक है, लगा हुआ है 1 kg सारा मेरे मुंह पे दिखाया था। मेरा फेस बहुत जल्दी मतलब मोटा आता है, मतलब फेस फैट मेरे बहुत जल्दी आता है एज कम्पेयर टू बॉडी, बॉडी पे स्पेशली मेरे स्टमक में बहुत कम फैट आता है, पहले बहुत था, अब नहीं है। बढ़िया, देखो क्या सोना हो गया है, डेली पानी जिन्नी दिया करो, सड़ जाता है, डेली पानी ना दो थोड़ी जी ना, जिम्मे इतने चुनी जी रखी हुई अद्धा इन भी रख देने सड़ देना इन्हें। वेल है करेले की, वेल है करेले की, वेल है, चलो उग जाएगी तो करेले खाइयो। घर में बहुत हल्ला मचा हुआ, बैठा नहीं जा रहा, मेरा सर दुख रहा है। तो हम चले मासी के पास, मासी का घर पास में ही है, और मुझे कोल्ड भी हो गया, उसकी वजह से भी सर दुख रहा है। हाँ बढ़िया हवा चल रही है, बड़ी गर्मी कहते होगी, देखिए सुते हुए इस मुंडे ने मेरा फोन कर करके दिमाग खा लिया।
हाय गाइस, बहुत ज़्यादा शोर है इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। दूसरा, मुझे कोल्ड के साथ फीवर हो गया है। सो ठीक है, अभी दवाई ली है मैंने एक बार, दोबारा यहाँ हॉस्पिटल है पास में ही है, 2 मिनट की दूरी पे है, तो वहाँ जाती हूँ मैं, दिखा के आती हूँ। बुखार है, सो ज़्यादा नहीं है, कोल्ड है, बॉडी पेन है, बीपी नॉर्मल नहीं है, तो दवाई ले आए हैं तो खाते हैं। अंदर काम हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा अभी तो। रास्ता नीचे वाली भी जो ग्रिल थी ना, वो मैच नहीं कर रही थी ऊपर वालों के साथ, तो उन्होंने स्टेयर्स की वो भी चेंज कर दी, वो भी तोड़ दी। ये देखो मामू का बाइक है। हमें था कि हम बर्थडे को वापस चल जाएंगे राखी डलवा के, बट नहीं जा पाएंगे, हमें एक दिन पहले ही शोर हो गया था, इसलिए ना दीदी के हिस्से की भी राखी हमने खरीद ली थी। बाद में अंतु का फोन भी आया था, ऐसा पूरा पड़ा हुआ है, इसलिए जरूरी है झाड़ू लगाना। हैप्पी बर्थडे नगू, पता नहीं नगू कितनी बार बर्थडे होता नगे का। नीचे वालियां भी तोड़ दी हैं, वही दूसरी लगाई हैं, सारा ऊपर पूरा कवर कर लिया। अभी एक दो चीजें रहेगी, फिर उसके बाद पेंट ही होगा। कल मैं बोल रही थी पोचा को लगाएगा, तो आज बारी मेरी लग गई। बब्बी एक्चुअली बिजी थे, सुबह सुबह बब्बी बिजी होते हैं, तो पूरा ना घर बहुत ज्यादा गद्दा हो गया था, तो मैं कहा बब्बी कैसे अकेले मैनेज कर रहे, तो मैं वेली क्या ही करूंगी, तो साथ में मेरी थोड़ी वर्कआउट भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और साथ में मैं पोचा लगा देती हूँ, पूरा घर साफ कर देती हूँ। तो बस वही कर रही थी, और बब्बी को मैं कहा थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा। वहाँ कहाँ रिलैक्स होता है, वो भी मेरी तरह अपने भाई के बहुत कब जाती है। मेरा पता नहीं क्यों आ रहा है, देखो पसीना ना धो लिए, झाड़ू पोछा लगा लिया, एक मिनट बैठो, झाड़ू पोछा लगा लिया, तो अभी बस नहाऊंगी, बिंदी लगाई नहीं है, मम्मी डोज देंगे जब वीडियो देखेंगे, बिंदी क्यों नहीं लगाई, कान के उतार लिए, क्या कर रही है, पागलों की है। घर से स्कूटी लेके आए, बोला कि गाड़ी कहाँ रखेंगे, क्योंकि रश होता है तो यहाँ गाड़ी घुमाना तो बहुत मुश्किल है, और पार्किंग थोड़ा दूर है, फिर भटकना पड़ता है, तो बच्चे के साथ चलना थोड़ा मुश्किल है, तो स्कूटी लेके आए, तो सोचा कि यहाँ आसानी से चले जाएंगे, बारिश पड़ गई, अभी ऑटो लेके जा रहे हैं, स्कूटी छोड़ी यहाँ पे, कपड़े खरीदे वहाँ छोड़ दिए। सूट पसंद कर रहे थे, यहाँ पसंद दिया है, फिर किसी और जगह पे गए हैं तो वहाँ से कपड़े पसंद किए हैं तो खरीदे हैं। आप लोगों तो पढ़े लोग हैं, हाँ वहीं से खरीदते हैं भाई, वहीं से जाते हैं, मतलब वहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो मैं मोस्टली वहीं जाती हूँ कपड़े खरीदने के लिए, तो इतने सारे ले आए। पाल वालों के पास भी गए थे, वहाँ से भी ले आए। जय सियाराम, सत श्री अकाल, केम छो मजमा, हम भी अच्छे हैं। तो अभी मैं वीडियो मतलब शूट कर रही हूँ 4 बजे के आसपास, क्योंकि हम ना बहुत ज़रूरी काम कराने गए हुए थे बैंक का, तो वो सब हो गया था, तो इसलिए फिर घर आए, भाई भी स्कूल गया था तो वो वापस आया, सॉरी स्कूल कह रही हूँ, ऑफिस गया था वापस आया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम राखी बांधने लगे, क्योंकि पहले तो बांध नहीं सकते थे। तो मैं क्लिप ऐड कर देती हूँ भाई वाली, घर में मैंने ज़्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि आज भी वहाँ काम लगा हुआ था मिस्त्रियों का, तो इसीलिए बहुत शोर शराबा था, तो बात हो नहीं पानी थी, तो इसीलिए अभी मासी के यहाँ आई हूँ, तो उनको राखी बांधूंगी। मेरे मासी का जो बेटा है उसकी बहन नहीं है, मैं ही उसकी बहन हूँ, मतलब मेरे से 10 साल छोटा है, तो मैंने तो उसको गोद में लिया हुआ है, उसको खिलाया है, मारा भी अच्छे से, और पहली राखी मैं ही बांधी थी उसको, तो आज तक मैं ही बांधती हूँ उसको। इसके अलावा मैं चाचा जी के बच्चों को बांधती हूँ, बट मैं उनको हमेशा पैसे भेजती हूँ, शादी के बाद मैंने पैसे भेजे हैं, पहले मम्मी पापा भेज देते थे, इतना कोई टेंशन फ्री होते थे ना हम, हमें पता था सिर्फ लेना है, सो उनको दे दिया था। तो अभी भाई के पास जाती हूँ, तो आई थिंक मासी की ननद भी आए हुए हैं, पता नहीं अभी हैं या नहीं है, तो जो जैसा है सब दिखाती हूँ। वीडियो जा रही आधा घंटा पीछे, तो ये चली गया था कि भाई भी ऑफिस गया हुआ था, पदरा डली हुई थी, बोलते हैं ना पदरा, हाँ पदरा पी गई है जी, रखड़ी बाड़ी है, तो इसलिए फिर 2 बजे के आसपास राखी का मतलब मुहूर्त था, तो हम उस अकॉर्डिंग फिर भाई बोलता कि मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ, मैं घर पे क्या करूँगा, वैसे भी दिहाड़ी टूट दी है, तो मैं कहा ठीक है चले जाओ, तो फिर 2 बजे आया था, और 2 बजे हमारे घर में फिर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा था, तो बहुत ठक 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 बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो भाई को राखी बांध दी है, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई थी आपने देख ली होगी, तो बेटू को भी डाल रही हूँ, तो अडगे को उसकी बुआ की बेटियाँ डालती है, और अडगे का एक पापा का फ्रेंड है,
तो वो अभी गुवाहाटी में है, तो उनका भी कॉल आता है तो वो भी बोलते हैं, मतलब वो उनकी जो बेटी है ना डग्गे से बहुत प्यार करती, मतलब बहुत केयर करती थी इसकी, मुझे पता है, और ये गलत करता था तो उसको डांटती भी थी, पर फिर ये थोड़ा सा मुँह बनाता था तो उसको प्यार भी बहुत करती थी। तो वो ना हमेशा कॉल करती है कि उसको राखी बांधने के लिए, तो अडगे को उसकी राखी, मतलब 3 राखियाँ अडगे को बांधी थी, तो इसको राखियाँ पसंद ही नहीं आ रही थी, कहता है कि मैं जो बेबी वाली राखी नहीं बांधती, मैं उसके बड़े लोगों वाली राखी बांधती है, और ऊपर से बोल रहा था कि इसके दादू के पास राखियाँ पड़ी थी वो किटकैट चॉकलेट वाली, वो लेके आना, मैं वो लाना ही भूल गई, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको मतलब ऐसे वो कहना था कि फलाड़ियाँ पाती भी सी यार इदा कर लो इदा कर लो, और हिंदी च नहीं गल समझा सकती, पंजाबी च मैं ज़्यादा वजे तरीके समझा सकती है। तो अब अपनी राखी भी बांध लेते हैं दीदी की तरफ से, तो ये मैंने अपने लिए थोड़ा सा जो छोटा सा गांडा नहीं होता जो क्लीरे वाली फीलिंग दे रहा है बस वही अपने लिए खरीदा था, तो बाद में भाई ने शगुन दिया है, बहुत पैसे दिए थे इसने मुझे मैंने पहले नहीं देखा, बाद में जब देखा तो फिर हमारी थोड़ी सी हुई है, वो थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। ये है मेरा छोटा भाई, तो ये कैमरा शाही नहीं है एक्चुअली, धीरज कैमरा शाही, तो इसीलिए मैंने उसको वीडियो में नहीं लिया, उसने पहले ही बोल दिया मुझे मत लेना, उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये कैमरा शाही नहीं है, ये तो बोलता है कि दीदी कोई बात नहीं ले ले, तो कई बार बोलता है फोटो खींचा कर मेरे साथ, मैं कह रही थी टिक के बह जा कोई टेंशन नहीं है, ये तो फिर इसको राखी हुई शुरू से मैं ही बात थी। खोलो पार्सल, अब इसमें क्या टूटने वाला भी है कुछ है, चाबी नहीं है आपके पास है ना, वो देखो मामू के पास है, इससे खोल बेटा, जोर लगा रहा कितना, इससे क्या खुलेगा, ऐसे ऐसे यहाँ से मम्मी के पार्सल में बड़ा तुझे इंटरेस्ट है, क्या देखना है इसमें, अंदर क्या है मम्मी, ये क्या सब कुछ है, ये आपका है, हाँ ये मेरा है, ये भी मेरा है, एक पार्सल खोला तो सारा टब्बर गुत्थम गुत्थी हो रहा है नाल, तो मैं बेतरा तो कुछ पार्सल मंगवाई सी, ऑब्वियसली यार मैं लुधियाना ही है, मैं पार्सल ही मंगवाऊंगी, हद हो गई है, मैं समान मंगवाया हुआ सीगा, मैं जो मंगवाया मैं भाई हुण जदों दुबई जाऊंगी उदों दिखाऊंगी, क्योंकि हुण मेरे को बहुत ज़्यादा समान हो गया है, मैं तरीके ना पैकिंग करनी है क्योंकि मेरे थोड़े देर रह गए, मैं थोड़े देर बाद वापस भी जाना है, सो जो मैं जो मंगवाया है सारा अनबॉक्स तो इतने करके जाऊँगी, सारा समेट समूट के दुबई जाके दिखाऊंगी, हले भी तू थोड़ी और शॉपिंग करनी है, बट मेरे को टाइम नहीं है क्योंकि मैं बहुत काटे थे रह रहा है, क्योंकि मैनू हुण पता है कि मैं उतो साल ही शायद साल तो पहला वापस ना आवा।